हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, देव देवानंद निशु प्रशांत रोहित रूपा नितेश वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी वॉम वेलकम इन द वेरी फर्स्ट सेशन ऑन दिस करियर विल बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल जो कि एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है हमारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए गुड इवनिंग एवरीवान मनीषा हिमांशु प्रिंशु आकांक्षा सभी का वेलकम है स्वागत है सो so, मॉर्निंग में आपने 10 बजे आशीष सर के साथ मैथ्स की प्रैक्टिस क्लासेस शुरू करी हैं और आज से शुरू हो रही है इंग्लिश की भी क्लासेस सो so, इंग्लिश की क्लासेस का जो शेड्यूल है वो है वन थ्री फाइव यानी आप मंडे वेंसडे फ्राइडे शाम सात बजे मुझसे मुलाकात करेंगे और यहाँ पर हम इंग्लिश के एरियाज़ के अलग अलग सेशनस को प्रैक्टिस करेंगे उनके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे तो आज का जो सेशन है वो शुरू हो रहा है ग्रामर के पोर्शन से बिकॉज़ ये डाउट बहुत सारे स्परेंट्स को मन में होता है कि अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ग्रामर का क्या रोल है या ग्रामर का रोल है कि नहीं है कई बार ये परसेप्शन होती है बैंकिंग एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स सो उन्हें लगता है कि शायद अगर ग्रामर के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं भी है तो नज़रअंदाज करके शायद वो पेपर क्लियर कर लें तो ये सारी जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं क्योंकि ये सवाल अलग अलग प्लेटफॉर्म से आते रहते हैं तो मैंने आज का सेशन इसी के ऊपर एड्रेस किया है कि ग्रामर के सेक्शन की प्रिपरेशन आप किस तरीके से करें उसका क्या रोल है एग्ज़ाम के अंदर किन तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं और शुरुआत भी हम इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे जो करियर विल बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल है यहाँ मैं ग्रामर फाउंडेशन सीरीज से शुरुआत करूंगा यानी जो अगले सेशंस होंगे वहां हम जित जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं रेलेवेंट बैंकिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक डिडक्टिव अप्रोच से करने की कोशिश करेंगे सो so दैट हमें सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए राइट और उससे फिर आपको ओवरऑल उसका एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाता है तो मैं आपके भी सवाल जरूर लेना चाहूंगा यहां पे कि ग्रामर से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है वो आप जरूर यहां पे पूछेंगे तब तक मैं शुरू करता हूं कि आपको का क्या अप्रोच होना चाहिए क्या रेलेवेंस है सबसे पहली बात पूरे बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर इस पर्टिकुलर एरिया की इंपॉर्टेंस क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो आपको साफ साफ ये नजर आता है कि जो हमारा पहला चरण है प्री का स्टेज है वहां पे आपके पास इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग है ये तीन एरियाज हैं ठीक है और जब आप मेंस में पहुंचते हो तो मेंस में इन तीनों के अलावा दो और एरियाज बढ़ जाते हैं रीजनिंग में के बाद आपके पास मतलब इन तीनों के अलावा हमारे पास बैंकिंग अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस इसका पोर्शन आ जाता है और जीए। और साथ ही साथ कंप्यूटर्स का भी कुछ क्वेश्चंस से भी आपके पास आ जाते हैं लेकिन साथ ही साथ यहां पे एक और जो पेपर आप लिखते हैं वो हो जाता है डिस्क्रिप्टिव का यानी आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले चरण में भी इंग्लिश का रोल है और दूसरे चरण में भी इंग्लिश का रोल है लेकिन रोल में थोड़ा सा फर्क है यहां पर देखो आप अगर हम पहले चरण में देख रहे होते हैं तो यहां सिर्फ आपकी ऑब्जेक्टिविटी की टेस्टिंग होती है बट सेकेंड स्टेज पे लैंग्वेज की ऑब्जेक्टिविटी के साथ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्योंकि यहां पे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और आप यह भी देखते हैं कि भाई यहां पे आपके पास टाइम जो है प्री के स्टेज पे कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं थर्टी क्वेश्चन के लिए बीस मिनट आपको मिल रहा होगा बट वहीं जब आप मेन्स में आते हो तो मेन्स में आपके पास टाइम ज्यादा हो जाता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाते हैं तो एक बात तो साफ समझ आती है कि जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का वो प्री से में बढ़ जाता है उसमें कोई इनकार नहीं है लेकिन यहां पे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ये एक्चुअली आपकी ऑब्जेक्टिविटी के साथ साथ सब्जेक्टिविटी को भी टेस्ट करती है और इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना आप जिन भी एग्जाम्स के अंदर आप देखें एस बी आई पीओ की आप बात करें जी है ग्रुप एक्टिविटी बोल लेते हैं ग्रुप डिस्कशन बोल लेते हैं पर्सनल इंटरव्यू बोल लेते हैं यहाँ पे आपको उस चरण से भी गुजरना पड़ेगा जो कि तीसरा चरण है सिलेक्शन प्रोसेस का वहां पे आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगे आई वी इंटरव्यू कॉल्स आएंगी तो जो इंटरव्यू का प्रोसेस है और उसके पहले जो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं ये एक्चुअली आपके सब्जेक्टिविटी की टेस्टिंग है क्योंकि जब कैंडिडेट को चूज किया जाता है तो कैंडिडेट के अंदर ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए उसकी ऑब्जेक्टिविटी उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जरिए क्योंकि वहां पे आपके पास चार ऑप्शंस हैं आपने एक चूज करना है वो तो चेक हो गई बट एज एन इंडिविजुअल बिकॉज यू आर गोइंग टू मैनेज अ बैंक उस उस पर्टिकुलर ब्रांच नॉट अ बैंक पर से बट दैट पर्टिकुलर ब्रांच वहाँ से शुरुआत होगी आपकी तो वो पूरे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए यू हैव टू डील विद द पीपल उनके साथ आपको डील करना होगा चीज़ों को समझना होगा तो वहाँ पर पीपल स्किल्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बैंकिंग जॉब्स के अंदर और दैट इज वाई यहां पे लैंग्वेज का रोल बढ़ जाता है बिकॉज भाषा के जरिए ही आप कम्युनिकेट करते हैं आप वहीं पर जैसे आर uh, आरबीज की बात करते हैं हमारे ग्रामीण बैंक की बात करते हैं तो आपको पता है कि वहां के पेपर्स में आपको लैंग्वेज प्रोफिशियंसी टेस्ट भी देना पड़ता है एलपी टी बिकॉज आप जिस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां की जो भाषा है uh, आपको उसमें प्रोफिशियंट होना जरूरी है बिकॉज यू हैव टू सर्व द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड इफ यू आर नॉट वेल वर्सड विद द लैंग्वेज और डायलेक्ट ऑफ दोज पीपल शायद आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो लैंग्वेज का जो रोल है इंग्लिश का जो रोल है ये सिर्फ आपके पेपर को क्लियर करने तक सीमित नहीं है ये जब आप काम पे वहां जाएंगे तो वहां पर पहुंचने के बाद आपका करियर ग्राफ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसमें भी लैंग्वेज का बहुत रोल है क्योंकि हमारे एस वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर एस की तैयारी और बैंकिंग की तैयारी में क्या फ़र्क है तो ये एक बड़ा मोटा फ़र्क आ जाता है कि वहाँ इंटरव्यूज़ का सामना आपको नहीं करना है यहाँ करना है और अगर आपके ग्रुप में जो लोग उस दिन जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इंटरव्यू के, के लिए जा रहे हैं वहाँ पे अगर वो लैंग्वेज में आपसे ज़्यादा बेहतर हैं प्रोफिशिएंट हैं Uh, उनका वो सेंटेंस बेहतर स्ट्रक्चर कर पाते हैं उनकी चॉइस ऑफ वोकेबलरी बेहतर है वो अच्छे तरीके से अपने बात को कह पाते हैं बिकॉज दे हैव अ डिसेंट कमांड ओवर वोकेबलरी एंड ग्रामर बोथ बिकॉज ग्रामर का रोल होता है सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने में अब हम उसी पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं लैंग्वेज का तो इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया कि बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर सेलेक्शन की तीनों प्रक्रियाओं में जो प्री स्टेज है मेन्स स्टेज है और फाइनल जो आपका जो तीसरा स्टेज है हमारा जी uh, डी और पी का यहां पे भी लैंग्वेज का ही रोल है भाई उसी की टेस्टिंग होगी अगर बेहतर कैंडिडेट हैं तो आपकी संभावना कम हो जाती है आपके ग्रुप में तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर बैंकिंग एग्जाम्स ये इसका रोल है और सिर्फ इंग्लिश तक सीमित नहीं है आप देखें अगर मैथ्स का पोर्शन आप देख रहे हो वहां पे भी डी का पोर्शन कितना ज्यादा है खासतौर से अगर आप मेंस में जाते हो पूरा पेपर ही आपको लग रहा होता है कि अच्छा हाँ डेटा इंटरप्रिटेशन और वहां पे भी अगेन आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं बिकॉज बहुत सारा इंफॉर्मेशन डेटा वहां पे दिया होता है यू नीड टू रीड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू यू नो पिक आउट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अप्लाई दोज इंफॉर्मेशन तो वहां पे एक तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पढ़ करके कितनी बात आपको समझ आ रही है अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आपको फायदा डेफिनेटली मैथ्स वाले सेक्शन में भी मिलता है बैंकिंग में और अब आ जाइए रीजनिंग वाले पोर्शन में यहां पे भी आप देखते हो सिटिंग अरेंजमेंट के और पजल्स के क्वेश्चन है लंबे लंबे सो हु हैज़ कमांड ओवर रीडिंग इन टर्म्स ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीड बोथ यानी जिसको पढ़ पढ़ने में भी जिसकी स्पीड इसको हम कहते हैं डब्ल्यू पी एम वर्ड पर मिनट आप कितने वर्ड एक मिनट में पढ़ पाते हो और उनको समझ पाते हो राइट right? तो उसका फायदा आपकी लैंग्वेज की समझ का फायदा आपको रीजनिंग वाले पोर्शन में भी मिलेगा क्योंकि तो जब आप मेंस में जाते हैं आपको पता है पजल्स की भरमार है है सिटिंग अरेंजमेंट के वहां तो लंबे को समझने में बहुत मुश्किल होती है तो ये तो आपको समझ में आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर बैंकिंग एग्जाम्स इन जनरल इट्स नॉट लिमिटेड जस्ट विद द इंग्लिश सेक्शन इट विल ऑल्सो भी बेनिफिशियल फॉर योर मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन एंड पर्टिकुलरली द थर्ड स्टेज ऑफ द सेलेक्शन प्रोसेस दैट इज जी डी एंड पी आई राइट right. तो और अब एक बारी आ जाती है हमारे करेंट अफेयर्स की जनरल अवेयरनेस की अगर आप इसकी बात करें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश दोनों को बेहतर करने की खुराक जो है वो आप एक जगह से ले सकते हो सम वन हु रीडर ऑफ न्यूज पेपर्स एंड यू रीड न्यूज पेपर्स रिलीजियसली एंड रेगुलरली दोनों बातें ध्यान में रखनी है ऐसा कि नहीं कि अभी आज तैयारी शुरू करी तो फिर नया नया जोश हमें आता है कि नहीं अब द हिंदू मैंने बोल दिया है अखबार वाले भैया को वो रोज फेंके जा रहे हैं आपके पर और शायद शुरू के दो दिन आपको जोश आया उसके बाद हम वो अखबार रखते चले जाते तो इसीलिए मैंने दो टर्म इस्तेमाल किए दो एडवर्ब्स रिलीजियसली एंड रेगुलरली ये अगर आप कर रहे हैं तो एक तो आपका करंट अफेयर्स का एरिया बेहतर होता है साथ ही साथ आपको लैंग्वेज की समझ बेहतर होती है बिकॉज देखो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज पता सभी को है बस बताना इसलिए जरूरी है कि आपको यह इसका अप्रोच समझ में आए कि हम, हमें हमें तैयारी कैसे करनी है आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि अगर आप रोज अंग्रेजी की खुराक लेते हैं सुनने में पढ़ने में या देखने में सपोज पैंतालीस मिनट से एक घंटे एक्टिवली यू डू इन्वेस्ट योर टाइम इन टर्म्स ऑफ रीडिंग लिसनिंग और वॉचिंग इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अंग्रेजी काफी बेहतर हो जाती है और आप बैंकिंग के एग्जाम्स में बहुत आसानी से सेल थ्रू कर सकते हैं उसका कारण यही है कि जितना लैंग्वेज का एक्सपोजर बढ़ेगा उसके यूसेज की समझ आपको बढ़ेगी क्योंकि तो जब आप बैंकिंग के इंग्लिश वाले पोर्शन की तरफ आते हो कंप्लीट सिलेबस अगर आप देख रहे हैं तो आपको है कि भाई इंग्लिश यूसेज का जो एरिया यानी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पैराजल्स सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं ओपनिंग लाइन ट्रांजिटरी लाइन कंक्लूडिंग लाइन आर मिसिंग के भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट एग्जाम्स में आते रहे हैं सो ऑल दीज क्वेश्चन आर एक्चुअली टेस्टिंग योर स्किल्स विद पैराग्राफ आप एक पैराग्राफ को रीड करके कॉम्प्रिहेंड करके एनालाइज करके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करके उसको सही तरीके से अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो ठीक है तो आपकी रीडिंग की बात जब बार बार हो रही है तो वहां पे भी अगेन ग्रामर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमें अखबारों के अंदर यह दिक्कत का सामना बहुत करना पड़ता है वेन यू गेट लेंदी सेंटेंसेज एंड योर ग्रामेटिकल फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर यू आर नॉट एबल टू डिफ्रेंसिएट बिटवीन वॉट इज फ्रेज वॉट इज क्लॉज वॉट इज वर्ड और अगर है तो क्या है उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल यू नो मैं थोड़ी सी बात मैं कर लेता तो, हूँ फिर मैं आपके सारे डाउट्स यहाँ पे लूंगा डोंट वरी ये सेशन इसीलिए है पहला सेशन है इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं कराने लग गया सीधा आकर के पहले थोड़ी सी जरूरत है इस बात की कि हमें अप्रोच समझ में आए क्योंकि ये सवाल बार बार था पहला लाइव इंटरेक्शन है सो आई विल टेक ऑल योर डाउट डोंट वरी अबाउट इट बट लिसन टू मी यू विल गेट प्रोब्ली ऑल द आंसर्स जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा इस लाइव सेशन में डोंट वरी अबाउट दैट बिल्कुल सोनू इंग्लिश के कारण रिजल्ट नहीं हो रहा है सर इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप इसका अप्रोच समझो अगर आप इसको ये समझ रहे हो कि आ, स्कूल के दिनों की ये ट्यूशन क्लास है और उससे चीजें हो जाएंगी तो शायद थोड़ी गलत फहमी में है एस बी का पैकेज जब आप देख रहे होते हैं तो उस पैकेज के लिए जाने के लिए उनको उस तरह का दिमाग भी चाहिए तो इसीलिए मैं ओवरऑल पिक्चर आपको क्लियर कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है और ओवरऑल किस तरह का चेंज ये लेके आता है ठीक है बैचेस के बारे में डिटेल्स बाद में लीजिएगा प्लीज अभी मेरी बात को पूरा हो लेने दीजिए बिकॉज ये तारतम्यता बिगड़नी नहीं, नहीं चाहिए मैं सारे डाउट्स लूंगा आपको थैंक यू एवरी थैंक यू वेरी मच लिसन टू मे केयरफुली हाँ जी तो इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया और अब आ रहे थे हम रीडिंग के ऊपर क्योंकि आप देखिए आरसी का पोर्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भरपूर है पेपर के अंदर अब जब हम एरिया की बात करते हैं सिलेबस वाइज तो ग्रामर तो है ही है और ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं आपके उनकी वराइटी भी काफी है मतलब अलग अलग तरीकों से वो ग्रामर का ज्ञान आपको चेक करते हैं आप ये बोल सकते हो कि फाइव टू सेवन टाइप्स से वो आपके ग्रामर के फंडामेंटल्स टेस्ट करते हैं कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ कितनी है ग्रामर के यूसेज की समझ कितनी है उसके बाद जब बात होती है तो आपको पता है आरसी जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं यहां से मेजर चंक आता है और खास तौर से मेंस के पेपर में आपको 35 क्वेश्चंस के अंदर 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आरसी से मिल सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और फिर मैंने क्या कहा कि इंग्लिश यूसेज का जो एरिया है

So तो तो मैनेजर आप बात कर रहे हैं तो वहां पर भी पैराग्राफ को कंप्लीट करना है ओपनिंग स्टेटमेंट कई बार गायब हो जाती है कई बार ट्रांजिटरी गायब कर देते हैं और कई बार कंक्लूडिंग स्टेटमेंट गायब करते हैं तीन वैरायटी के क्वेश्चन पैरा कंप्लीशन से ही बन जाते हैं ये सारा कुछ मैं अपने बैंकिंग स्पेशल बैचेस में बढ़ाता हूं अगला फिर बैच पूछ रहे थे आप तो अगला बैच चौदह फरवरी से शुरू हो रहा है कंप्लीट बैच करेविल प्लेटफॉर्म पे तो पैरा कंप्लीशन हो गया मैंने कहा समरी राइटिंग ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है बैंकिंग के अंदर बहुत कम मिलता है बट ये मैनेजमेंट एग्जाम्स में आता रहा है और ये भी आपकी समझ टेस्ट करता है कि वन पैराग्राफ विल बी गिवन ऑफ फाइव टू सेवन लाइंस एंड देन यू विल हैव फोर टू फाइव ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज वन ऑप्शन जो कि सही तरीके से उस पैराग्राफ को समराइज कर रहा है सो so अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है क्योंकि मैनेजर वही है जो काम की बात निकाल सके पूरी बात में से राइट right. तो ये आपके इंग्लिश यूसेज का एरिया हो गया और फिर हम जब वोकैब और एप्लीकेशन की बात करते हैं वो एंड इट्स एप्लीकेशन यानी जहां इसका इस्तेमाल होता है वो कौन सा क्वेश्चन टाइप है भाई वो आपका है फिलर्स 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 का एरिया चलिए एक ही कलर से लिख देते हैं हैं एंड एंड क्लोज क्लोज टेस्ट टेस्ट अब ऐसे एरियाज जो आपकी रीडिंग स्किल्स को भी टेस्ट करते हैं और वोकैबलरी स्किल्स को भी बिकॉज सम वन हु नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू से वट आई कॉल वॉट कॉन्टेंट एंड इंटेंट यू नीड टू फिगर आउट दीज टू टर्म्स जब भी आप क्वेश्चन करते हैं पैराग्राफ बेस्ड ये दोनों बातें समझना बहुत जरूरी है कि क्या कॉन्टेंट है इस सेंटेंस का अगर वो फिलर का क्वेश्चन है फॉर दैट मैटर तो दो फिलर का है थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो जाएगा तीन है और बड़ा हो जाएगा और क्या होने वाला Close test है क्लोज टेस्ट है पैराग्राफ एट सिंपल एज दैट सो वेदर इट्स स्मॉलर वन और लेंदियर वन और फॉर दैट मैटर इट्स पैराग्राफ You need to read that sentence or paragraph. Try to get what is the intention of the author, what we call what is the purpose of the author. What is the purpose of the author? What is the suitable title of this passage? Right? Uh, what is the tone of the passage? What is the writing style of the passage? This a question type answer paragraph me These are indirect questions, are implicit questions. So जिसको पूरी बात समझ में नहीं आ रही है ना कि वो पैसेज क्या कह रहा है वो शायद इन क्वेश्चन को आंसर करने में उसे दिक्कत होती है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन टेस्ट कर रहे हैं तो मैं वही कह रहा था कि आपको कंटेंट और इंटेंट दोनों समझना पड़ता है तब जाकर के आप ये सारी बातें डिकोड कर पाते हो और दूसरी बात वो कैब के का ज्ञान वो कैब इज नॉट अबाउट जस्ट मगिंग अप यू नो हिंदी मीनिंग ऑफ वर्ड्स दैट इज डेंजरस मैं हर एक बैच के अंदर यह बात कहता हूं कि हिंदी मीनिंग शब्दों का रटना अगर आप किसी भी डिसेंट लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शब्दों की हिंदी मीनिंग रटना तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए वी आर ब्लेस्ड जनरेशन जहां पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास वी हैव बेस्ट डिक्शनरीज अवेलेबल एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन सो जस्ट गो टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मेरियम वेबस्टर कॉलिन्स डिक्शनरी मैकमिल डिक्शनरी राइट कोई भी नया वर्ड मिल रहा है एटलीस्ट दो से तीन डिक्शनरीज में उन को सर्च बॉक्स में डालो आप और उसके बाद जो हिंदी मीनिंग काम दो तरीके से खराब करता है पहली बात ये कि इस लेवल पे जब आप ये उम्मीद ना करें कि, कि किसी शब्द का एक हिंदी से आप मीनिंग समझ सकते हो सिनोनिमस वर्ड सबसे बड़ी समस्या है और अगर आप अब सही में एक रियल एस्परेंट रहे हैं और सही मायनों में तैयारी करी है तो आपको यह जरूर एहसास हुआ होगा कि जहां तक वो कैब की बात है वो कैब की ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी कि भाई सिनोनिमस वर्ड्स को रट करके क्या काम आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है यू हैव फोर चॉइसेस टू चूज फ्रॉम एंड आउट ऑफ वर्ड्स आपको एक वर्ड चूज करना है आस्क दिस सिंपल क्वेश्चन टू योर सेल्फ एंड कॉमन सेंसिकल एज वेल कि भाई मेरे पास ऐसे कौन से मैकेनिज्म है कौन से ऐसे औजार हैं जिनके आधार पर मैं सिनानिमस वर्ड्स को डिफरेंसिएट कर सकता हूं और ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन आता है नो आई डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म इट्स ऑल अबाउट तुक्का थिंग कि जो तुक्का लग गया फीलिंग आ गई सेट बैठ गया तो इसीलिए अंग्रेजी परेशान करती है जब हम एक एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हैं हम यहां लिटरेचर थोड़ी पढ़ रहे हैं कि नहीं भावों में बहने वाले की बात कर रहे हैं नो इट्स नॉट इट्स योर एप्टीट्यूड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हर चीज का मैथमेटिकल अप्रोच है वेदर इट्स ग्रामर वोकैबलरी आर कॉम्प्रिहेंशन और मैं लगातार यह अप्रोच आपके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूं करियरवेल uh, ऐप के जरिए देश में इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं कि यह अप्रोच को समझो आप यहां कुछ नहीं रटना है रटने का काम का कहीं कोई फायदा नहीं है किसी भी पेपर में आपसे कोई नहीं पूछता राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स यू विल गेट फोर वर्ड्स प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू एलिमिनेट वन वर्ड बट देर आर थ्री वर्ड आर प्रंफ्यूजिंग बिकॉज यू से कि सर इनका तो मतलब एक जैसा है मैं क्या करूं क्योंकि मैंने तो बचपन में सिनोनिम की लिस्ट में इन शब्दों को रटा था देर इज नो बेनिफिट ऑफ यू नो जस्ट मगिंग अप दो सिनोनिमस वर्ड्स थोड़ा काम आप और कर लेते कि भाई मान लो आपको एक शब्द के साथ तीन या चार सिनोनिमस वर्ड्स मिले हैं गो टू तो डिक्शनरी उन चारों शब्दों को डालो आप थोड़ी सी मेहनत कर लो उनके साथ जो उनके मीनिंग लिख रखे हैं यूसेज लिख रखे हैं ग्रामेटिकल प्रोफाइल के इन्फॉर्मेशन है बिकॉज वन वर्ड वन स्पेलिंग मे हैव मल्टीपल ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स और कई बार उन मल्टीपल ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स का मतलब भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता सो देर विल बी लॉट ऑफ रेलवेशन फॉर यू पीपल जब आप जाएंगे वहां पे डिक्शनरीज uh, को देखने बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी यार ये दिस इज एप्सोल्यूटलीशन टू मी ये चीज तो मुझे पता ही नहीं थी ये क्या हो गया तो थोड़ा सा समय खर्च करोगे अंग्रेजी में मजा आना आपको शुरू होगा तो ये ओवरऑल हमारी लैंग्वेज की टेस्टिंग है और देखिए इसमें सारे एरियाज हमारे कवर हो जाते हैं अब मैं आ जाता हूं ग्रामर के ऊपर किसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि कई बार लोगों को यह लगता है कि यार इट्स ऑल अबाउट रीडिंग इट्स ऑल अबाउट रीडिंग यू नो एवरीवेयर इवन जैसे मैंने कहा कि फाइव टू सेवन टाइप्स के क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड भी बनाए जा सकते हैं वो अलग अलग नॉमिन दे देते हैं आपको कई बार लिखेंगे बेस्ट री यू नो सेंटेंस इंप्रूवमेंट एरर डिटेक्शन एरर स्पॉटिंग सेंटेंस करेक्शन सो नॉर्मन ये आपके कॉलम बेस्ड क्वेश्चन वो ग्रामर में दे सकते हैं च्वाइस के लिए दे सकते हैं तो कई तरीके पॉसिबल हैं इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडलिंग ऑफ क्वेश्चन बट चाहे किसी भी तरीके से वो ग्रामर के क्वेश्चन को टेस्ट कर रहे हो समझ तो वो चेक कर रहे हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की और ग्रामर के यूसेस की मतलब ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी पैराग्राफ फॉर्म में कई बार हमें देखने को मिलते हैं बाकी पैराग्राफ तो है। तो पैराग्राफता है कि बैंकिंग वन हुज नॉट क्लियर ग्रामेटिकल और इन रीडिंग द पैसेज एज सिंपल एज दैट लेट अलोन योर इंटरव्यू एंड जी डी वो तो छोड़ो अभी बाद की बात है वो बोलना लिखना और ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ये बाद के चरण है बहुत सारे ऐसे स्परट होते हैं जिनका पहला चरण क्लियर हो जाता है प्री क्लियर हो गया मेंस में जाकर अटक जाते हैं क्यों क्योंकि जो इज्जत बचा ली थी ऑब्जेक्टिव पेपर में जब बारी आती है खुद लेटर और एस लिखने की तो कई बार हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं एंड uh, जो एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है आपके पेपर उसको तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना ठीक है आपके पास कॉन्टेंट का बहुत अच्छा लेवल नहीं है चलेगा एक बार

पांच टॉपिक के ऊपर और अच्छा लगा मुझे बिकॉज दैट स्पिर वॉज प्रिटी प्रो एक्टिव ही वॉज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और बहुत प्रोएक्टिवली उसको अपनी समस्या का पता था मैंने कहा भाई लिखो आप उन्होंने लिखा और जो पहला टॉपिक था जिसके ऊपर उन्होंने इसे लिखा इन द फर्स्ट आई थिंक सेवन सेंटेंसेज आई गॉट फाइव ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड इवन इन द टाइटल जो टाइटल लिखा था उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक थी मैंने कहा भाई साहब इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो ये बात होती है कि जो इज्जत हम ऑब्जेक्टिव पेपर में बचा लेते हैं ना वो सब्जेक्टिव पेपर सब्जेक्टिविटी का मतलब अब देखो सब्जेक्टिव मैं बार बार क्यों कह रहा हूं क्योंकि आप इंसान कैसे हैं वो आपके बोलने और लिखने के तरीके से पता लगता है आप आपके कंटेंट की क्या गहराई है किस तरह का कंटेंट आपने लिखा है उससे बहुत सारा परिचय मिल जाता है व्हाट इज योर एक्सपोजर लेवल द काइंड ऑफ बैकग्राउंड यू बिलोंग द काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यू हैव यू नो कितना आपकी रीडिंग है ये सब कुछ आपका लिखना और बोलना बयां करता है

बातचीत करनी है ई मेल राइट करने हैं फोन पे बात करनी है और आप ऐसा ब्लंडर करेंगे वॉट ऑफ पिक्चर यू विल प्रोजेक्ट आप दैट पर्टिकुलर ब्रांड वो क्यों लेंगे आपको फिर तो ये वाली जो तैयारी का अप्रोच है ना नहीं ग्रामर तो आती नहीं अरे भाई ग्रामर आए या ना आए आ भी सकती कोई मनाही तो है नहीं आती ही है क्वेश्चन आपके अलग अलग शिफ्ट में पेपर के जो क्वेश्चन टाइप्स है वो बदलते हैं इंग्लिश के अंदर बट ये तो नहीं कहते तो नहीं ग्रामर से क्वेश्चन नहीं आता या ग्रामर की क्या जरूरत है नो इट्स नॉट ग्रामर की बिल्कुल जरूरत है लेकिन जैसे आप पढ़ते हैं आपको लगता है कि नहीं ग्रामर के डेढ़ सौ रूल रट लू दो सौ रूल रट लू सौ इंपॉर्टेंट रूल रट लू जिस तरह से चमकाने वाले आपको वीडियोस भी और बहुत सारा बुक्स ज्ञान ऐसा मिल सकता है वो सब चीजें आपको पता है जो चीज इस तरह की हो ना कि नहीं दस मिनट में सब कुछ सीख लो है या जिंदगी की सफलता के दस मंत्र हैं ये सब चमकाने वाली बातें हैं जब आपके अंदर डेफ्त होगी गहराई होगी क्योंकि इंटरव्यू अंतर दर्शन है आपके पेपर लिखने से भी उनको पूरा संतोष नहीं होता वो जानना चाहते हैं कि वट पर्सन यू आर एज अ कैंडिडेट एंड दैट इज वाई दे इंटरव्यू यू एंड वॉट एवर आंसर यू गिव दैट सिंपली रिफ्लेक्ट एट व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट यू आर वॉट यू वैल्यू इन योर लाइफ और इन जनरल सो ये चीजें आपको बहुत क्लैरिटी से समझनी है अगर बैंकर बनना है तो और ये चीजें अगर समझ आ गई तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर करोगे और नौकरी लेके आओगे एक नहीं कई सारी अलग अलग लेवल पर आई भी क्लियर होगा एस भी क्लियर होगा बहुत जल्दी के स्टूडेंट्स से मिलाने वालों अभी उसके इंटरव्यूज हैं आपको शायद रिजल्ट मिला भी था ये हमारे करियर वेल बैंकिंग एग्जाम्स के भी कम्युनिटी में वो शेयर है दो इन दो स्टूडेंट्स का मैसेज आया था आयुषी एंड शिवम और उसमें देखो जो मैसेज लिखा उसने तीन तीन एग्जाम्स के उसके इंटरव्यूज हैं एस बी आई क्लर्क क्लियर था उसका ज्वाइनिंग थी वो ज्वाइनिंग पोस्टपोन हो गई एस बी आई पी ओ की इंटरव्यू है uh, का इंटरव्यू है उसका राइट right? और आई बी भी आई बी खेल बैंकिंग का एग्जाम नहीं है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का है उसका भी इंटरव्यू है और उसने मैसेज में ही साथ लिखा था व्हाट्सएप मैसेज में मुझे पी एस पी ओ का भी मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू मुझे देना पड़ेगा तो ये होता है एंड शी जस्ट ट्वेंटी टू अ फ्रेश ग्रेजुएट कॉमर्स ग्रेजुएट एंड आई थिंक दीज टू स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विद मी फॉर द लास्ट वन पॉइंट फाइव ईयर्स सो इट है ये बिल्कुल पॉसिबल है प्रोवाइडेड दैट की जो बातें मैं आज कह रहा हूं उन बातों का आप ध्यान रखें क्योंकि यह बहुत लंबे समय से था बैंकिंग की तैयारी कैसे करें उस पर एक वीडियो बनाओ सर तो आज पहली क्लास थी लाइव सेशन था तो मैंने कहा कि आपको मैं यहां पे यह ज्ञान दे दूं तो अब आपका जो क्वेश्चन है उसकी बात करें आप फिर मैं थोड़ा सा ग्रामर बेस्ड चीजों के बारे में बात करता हूं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर दैट मैटर के बारे में कुछ ग्रामर के बारे में कुछ बैच में पूरा ग्रामर कवर होता है भाई वीओडी बैच आइए स्पोकन बैच चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे आपके पास फिर कोई रेलिवेंट सवाल नहीं है आइए मैं ग्रामर की बात कर लेता हूं देखिए ग्रामर मैंने बार बार यूसेस टर्म का इस्तेमाल किया है यानी प्रयोग अब जब हम शुरुआत करते हैं यहां पे तो सबसे पहले आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी सेंटेंस बनने तक क्योंकि अगर लेंदी सेंटेंस हमें मिलते हैं तो हमें समझ में आने चाहिए जिसको मैं ग्रामर प्राइमर बोलता हूं राइट right? जहां पे हम बात करते हैं किसकी हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की और पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शनल आस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए पीओ राइट right? और इसके फंक्शनल आस्पेक्ट जब मैं फंक्शनल आस्पेक्ट कह रहा हूं तो इसका मतलब कि नाउन का क्या रोल है एक सेंटेंस में वो पता होना बड़ा जरूरी है राधा देन नियमों को रटने के बजाय वो आप समझ लोगे उसमें कोई मुश्किल नहीं है कि भाई नाउन किस तरह के रोल निभाता है वॉट इज द रोल आर फंक्शन ऑफ नाउन इन एनी सेंटेंस एंड इफ दैट इज क्लियर टू यू यू विल बी एबल टू ईजली गेट कि भाई नाउन फ्रेज का क्या रोल है और नाउन क्लॉज का क्या रोल है बड़े बड़े सेंटेंसेस को डिकोड करना क्योंकि आपको आर्टिकल्स भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है अखबारों से मिलते हैं न्यूज से मिलते हैं एज इट इज रिसर्च पेपर से मिलते हैं तो उनमें लेंदी सेंटेंस को समझने में हमें दिक्कत होती है तो यहां से सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के फंक्शनल आस्पेक्ट पर हम फोकस करेंगे अगला सेशन हो रहा है हमारा वेंसडे को वहां जब मुलाकात होगी तो हम शुरुआत कर देंगे ग्रामर फाउंडेशन की राइट right, आपके पास एक एक चैप्टर लेकर के मैं ये आपको समझाते चलूंगा इसी चैनल पर जहां आप ये देख रहे हैं ठीक है शाम सात बजे तो यहां जितना पार्ट ऑफ मैं लिखने नहीं जाऊंगा सारे नाउन एडजेक्टिव वर्ब वो जो भी रेलिवेंट है सारे जैसे हम मॉडिफायर से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब से राइट right, प्रोनाउन का कौन से एरियाज में आपको चीज़ दिक्कतें आती है वो सब हम यहां पे देखेंगे फंक्शनल आस्पेक्ट के बाद थोड़ा सा डिटेल्ड नॉलेज ऑफ सर्टेन चैप्टर्स जिनका रोल ज्यादा है जहां से क्वेश्चन आपको मिलते हैं मैक्सिमम तो उनके बारे में हम ज्ञान लेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे ये यहाँ पे होने वाला है और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि सर्टेन चैप्टर्स का डिटेल नॉलेज और फिर उनके ऊपर प्रैक्टिस तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस जो है उसको शुरू करेंगे टॉपिक वाइज क्योंकि देखो जब तक आपको एक एक टॉपिक पे कमांड नहीं आ जाती है कि भाई Uh, कई सारे लोगों को तो एडजेक्टिव एडवर्ब को पहचानने में दिक्कत होती है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कई बार नहीं कर पाते और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप स्पेलिंग गलत लिखोगे अब कंप्लाई क्या है और कंप्लायंस क्या है और कंप्लाइंट क्या है कई बार इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है uh, हर एक क्लास के फाउंड पहली क्लास के अंदर मैं कई बार डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक शब्द में चूज करने के लिए देता हूँ और क्लास बटी होती है उसमें बहुत बेसिक शब्द हैं ये सारे कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटाइज डेमोक्रेटिकली या फॉर दैट मैटर ब्यूटी ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफाई और फॉर दैट मैटर सक्सेस एंड सक्सीड एंड सक्सेसफुल और फॉर दैट मैटर ट्रू एंड ट्रूथ का लोग सही इस्तेमाल नहीं कर पाते सेंटेंस में ट्रू और ट्रूथ का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते तो ये सारी दिक्कतें क्यों हैं अगर आप इस तरह का पाप करने वाले हैं राइटिंग के अंदर एंड दीज आर नॉट सो कॉल्ड डिफिकल्ट वर्ड्स ये वो शब्द हैं जो हम बचपन से यूज कर रहे हैं matter, practice और फॉर दैट मैटर प्रैक्टिस और प्रैक्टिस सी और एस सी का फर्क समझ में नहीं आता इफेक्ट अफेक्ट का फर्क नहीं समझ में आता दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स तो बात वही है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर आ, जो शब्द हैं जो वर्ड्स हैं जो वो है उसको आप कैसे अरेंज करेंगे ये उस लैंग्वेज का ग्रामर सिखाता है तो कोई अगर आज से ये बेकूफी वाली बात करेगी नहीं ग्रामर आती नहीं है ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है बैंकिंग में तो उसको बता देना भाई कि नहीं आपको चीजें समझ में आ गई है चीजें उड़ उड़ के नहीं होती हैं तो अगर आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्लियर नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं है उस वर्ड का और वो पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो डिपेंड भी किस पे करता है कई बार प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है अब जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लू यहां पे जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं कि हमारे पास शब्द है अप्रोच अप्रोच अब मुझे आप ये बताएं कि अप्रोच शब्द का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है चलिए मैं आपका काम और आसान करता हूं अप्रोच नाउन भी है और अप्रोच वर्ब भी है कैन यू राइट टू इन द कॉमेंट सेक्शन जहां पे पहले सेंटेंस में वो नाउन और दूसरे सेंटेंस में वो वर्ब एक और वर्ड देता हूं मैं आपको हमारे पास शब्द है कंसर्न बहुत बेसिक शब्द कंसर्न चिंता करना किसी चीज के लिए सोचना उसके बारे में तो कंसर्न जो है ये भी नाउन है और ये भी वर्ब है कैन यू मेक टू सेंटेंसेज दैट कैन डिफ्रेंशिएट दीज ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स

वोकैबलरी uh, में भी अगर आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो शब्द ही नहीं सही चूज कर पाओगे आप लिखने में भी और बोलने में भी तो वही बात जब तक पेपर ऑब्जेक्टिव है तब तक तो इज्जत बचा लोगे आप लेकिन जब बारी आएगी लिखने की तो वहां मामला फंसना शुरू हो जाता है इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें ऐसा नहीं है कि दीज आर यू नो सेग्रीगेटेड एरियाज इफ समन इज दैट आई एम गुड एट ग्रामर बट नॉट गुड एट वोकैबलरी आर नॉट दैट गुड एट वोकैबलरी बट गुड एट ग्रामर वो शायद या तो मतलब अनजाने में है वो बेचारा ज्ञानी है और क्या कहा जा सकता है कोई भी भाषा आपको आती है या नहीं आती है और हर भाषा में अच्छे होने का स्कोप हमेशा रहता है कोई ये नहीं कर सकता नहीं आई एम एन एक्सपर्ट अ पंडित अ गुरु इन ग्रामर वोकैबुलरी फॉर दैट मैटर बट अगर आप इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो तो बहुत बचकाना है अच्छे होने की तो कोई जितनी जरूरत है उतने तो अच्छे रहें अगर हम कॉम्पिटेटिव uh, एग्जाम्स के एक्सपिरंट हैं और हमें यह नहीं पता लग रहा कि मुझे इस तरह का अगर टास्क दिया जाए या जैसे मैंने अभी बात करी बहुत बेसिक शब्द हैं यह सब अफेक्ट और इफेक्ट नहीं समझ आता है बहुत सारे लोगों को आप सोशल मीडिया पे देखें अंग्रेजी लिखने का तरीका वहां आप ग्रामेटिकल प्रोफाइल में कंफ्यूज होते दिखेंगे लोगों को या फॉर दैट मैटर जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस राइट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस क्या मैं कॉन्फिडेंटली इनको सही तरीके से यूज करता हूं क्या या इसी गणित के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास डिवाइस एंड डिवाइस इवन इन प्रोनाउंसिएशन देर इज अ चेंज इवन द सेम स्पेलिंग जब आप उसको नाउन के तौर पे लिखते हैं और वर्ब के तौर पे लिखते हैं तो बोलने में प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है मैंने अपने स्पोकन बैच के पहली क्लास में इन चीजों के बारे में बात करी थी कहां स आता और कहां ज का साउंड आता है प्रोनाउंसिएशन के अंदर बिकॉज देखिए कंपटीशन इतना है तो हमें किसी भी लेवल पे जैसे कहते हैं ना कि आ, कोई भी कसर नहीं छोड़नी है आपको कोई भी कसर नहीं छोड़नी है लैंग्वेज पे इस लेवल की आपकी कमांड हो तो अब ये जो सीई वाले हैं ये क्या है ये आपका नाउन है और एसई वाले ये वो है इस पैटर्न पे आपके पास बहुत सारे शब्द हैं तो एक पैटर्न पकड़ के अभी जैसे हमारे पास प्रोफेसी वर्ड आता है बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग उसमें सो प्रोफेसी इज वॉट इट इज सी वाला इज नाउन एंड एस इज वॉट दैट इज व तो ग्रामर का बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल है और भाषा की समझ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हम बात रीडिंग की कर रहे हैं थ्रू आउट बट एबल टू डिफ्रेंसिएट वॉट इज डिपेंडेंट क्लॉज व्हाट इज इनडिपेंडेंट क्लॉज वो कभी ये समझ ही नहीं पाएगा कि विच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट एंड विच इज इेलिवेंट अब एडजेक्टिव क्लॉज इज गिवेन आर एडजेक्टिव फ्रेज इज गिवेन वो हो सकता है कि वो उस इंसान के बारे में या चीज के बारे में बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले लाइन पे है कॉमा लगा करके बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और तीसरी लाइन में आ रहा है सेज दैट सो द एक्चुअल सेंटेंट इज वॉट दब्जेक्ट सेट एवर इज गिवन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वो इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट दैट विल बी ईदर एडजेक्टिव फ्रेज आर क्लॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दोज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर एक्चुअली इनरेलीवेंट बट हमें क्योंकि अंग्रेजी समझ नहीं आती स्ट्रक्चर ही नहीं क्लियर होता है लंबे सेंटेंस को पढ़ने में दिक्कत होती है क्योंकि पढ़ाई क्लास में तो छोटे सेंटेंस वाली वो आ, आप कर रहे होते हैं मोहन सोहन वाली और वहां पे सेंटेंस वैसे मिलते नहीं आपको तो फिर उधर होती है दिक्कत उधर वो आपको एसवी नजर नहीं आता सब्जेक्ट वर्ब्जेक्ट जो हम बचपन से पढ़ के जाते हैं राम किल्ड रावन यू गेट लेंथी सेंटेंसिस तो इसीलिए मैंने कहा कि हर बैच की शुरुआत मैं ग्रामर प्राइमर से करता हूँ तो यहाँ पे भी हम जब स्टार्टिंग करेंगे तो एक बार सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच या जैसा आप कहें अगर आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख के बताएं कि जो वेंसडे का सेशन है वो मैं किस टॉपिक से शुरू करूं अगर आप टॉपिक वाइज चाहते हैं तो मैं सीधा टॉपिक पे आ जाऊंगा अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर एक बार ग्रामर प्राइमर हमारा जरूर करा दो यहाँ पर भी राइट जहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी डेफिनेशन में ब्रश अप कर दूंगा सारे फंक्शन की राइट right? उसके बाद वर्ड्स के बाद आता है फ्रेजेस और फिर आते हैं क्लॉजेस uh, इनकी समझ हो जाएगी आपको और उसके बाद फिर हम टॉपिक पे आएंगे तो एज यू से फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तो ग्रामर की बिल इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई रोल समझ में आ गया uh, चाहे वो वो कैब बेस्ड क्वेश्चन हैं ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है अगर तो कॉलोकेशन uh, की मदद आप नहीं ले पाते फिलर्स में क्लोज टेस्ट में ब्लैंक प्लेस जब आता है ना तो वो ब्लैंक प्लेस खुद बताता है कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे नाउन की जरूरत है एडजेक्टिव की जरूरत है एडवर्ब की जरूरत है वर्ब की जरूरत वो ब्लैंक प्लेस खुद बताता है तो क्वेश्चन तो आप फिलर का कर रहे हो या क्लोज टेस्ट का कर रहे हो लेकिन अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ ही नहीं है तो आप सही शब्द चूज नहीं कर पाते कई बार नंबर हमें थाली में परोस के मिलता है बट बिकॉज हम नंबर लेने के लिए तैयार नहीं है हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो वहां पे वो दिक्कत आती है तो ये कभी मत सोचिए कि ग्रामर या ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर जस्ट लिमिटेड विद ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन वो ग्रामेटिकल क्लैरिटी आपको थ्रू आउट मदद करती है और लैंग्वेज को समझना आपके लिए आसान बनाती है बिकॉज आप ये समझ ही चुके हो कि जो पूरा का पूरा पेपर है आपका लैंग्वेज का बैंकिंग एग्जाम्स का वो लैंग्वेज की समझ और यूसेज को ही टेस्ट कर रहा है ठीक है टॉपिक वाइज बिल्कुल टॉपिक वाइज शुरू करूंगा मैंने आपसे पहले ही कहा था यूट्यूब पे लंबे समय से डिमांड भी थी कि सर आपके कुछ कुछ लेक्चर्स मिलते हैं तो मैं यहां पे टॉपिक वाइज बिल्कुल शुरू करूंगा हाँ जी बिल्कुल यूट्यूब पे क्लास होगी जो ही यहीं पे क्लास होगी ये करियर वेल बैंकिंग एग्जाम्स का यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग देख रहे हैं और अपने दोस्तों मित्रों को भी बता दें राइट ये सारी क्लासेस जो हैं अब डिटेल्स पे देख लें आप ठीक है मेरी क्लास जो है शाम को सात बजे होगी मंडे वेंसडे फ्राइडे पैतालीस मिनट से एक घंटे जैसे लगेगा जैसे क्वेश्चन है उस हिसाब से हम लगा लेंगे उसी तरीके से आशीष सर आपको पांचों दिन मिल रहे हैं मंडे टू फ्राइडे टेन ए एम मैं तीन दिन आपको मिल रहा हूं अनुकूल सर भी तीन दिन मिल रहे हैं और सैटरडे को पूरे सप्ताह का करंट अफेयर्स का आपके पास ज्ञान लेके आ जाएंगे राशिद सर तो हमारे पास पेड बैचेस तो हैं बट यहां पे भी आपका आपकी क्लासेस चलती रहेंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहेंगे जिससे आपको खास तरह से क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है उसके अप्रोचेस की क्लैरिटी आएगी ठीक है तो अपने दोस्तों मित्रों को बता दें यहां पे क्लासेस आपको मिलती रहेंगी संडे को भी कभी कभार संडे ही फ्री है बाकी तो सारे दिन आपको ब्लॉग दिख रहे हैं राइट मंडे से लेकर सैटरडे तक इस चैनल पे आपको लगातार कंटेंट मिलता रहेगा जो कि बैंकिंग एग्जाम से के लिए रेलेवेंट होगा संडे को मुलाकात करने का अगर आपको मन करेगा तो मैं आ जाऊंगा आपसे जो भी आपका दुख दर्द होगा यहाँ बांट लेंगे भाई आकांक्षा आपकी बुक कब आएगी बुक आ रही है इसी वीक कल के संवाद सेशन में जो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी पे होता है तो वहां पे मैंने आपको थोड़ी सी झलकी दिखाई थी तो उसकी बाकी डिटेल्स आपको बहुत जल्द पता लग जाएंगी और बहुत सारी किताबें आने वाली हैं सब पाइपलाइन में हैं और बैंकिंग एग्जाम्स की भी एक कंप्लीट बुक क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड है कि आप सर जो क्लास में क्वेश्चन कराते हैं वो तो बहुत ग्रेट पैटर्न में होता है हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाती है बहुत मजा भी आता है बट उसके बाद उन तरह के क्वेश्चन को उस साइंटिफिक अप्रोच से प्रैक्टिस करने के लिए कहीं अच्छा क्वेश्चन एक साथ मिलता नहीं फिर वो बटा बटा रहता हमें समझ में भी नहीं आता तो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगी वो कंप्लीट बुक जो कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए होगी और जो मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है इट्स नॉट कि उसमें सिर्फ ग्रामर है या ऐसा कुछ है उसमें ग्रामर बेस्ड सारे क्वेश्चन फिलर्स जैसे फिलर्स की वरायटी भी छः सात टाइप की है बैंकिंग एग्जाम में वो सब कुछ कवर होगा आर कवर होंगी इंग्लिश यूसेज बेस्ड क्वेश्चन कवर होंगे तो वो सब आपको मिलने वाला है बहुत जल्द इंग्लिश एक्सपो पब्लिकेशन पे यूट्यूब बैच एज सच नहीं है यूट्यूब बैच नहीं है यू uh, के मिश्रा जी जो पूछ रहे हैं uh, यहां पे जैसे देखो एक एरिया को हम थोड़ा सा टच कर रहे हैं कवर कर रहे हैं बैच में कंटेंट का लेवल अलग होता है अब यहां पर uh, आपको वो जरूरी नहीं कि वो सारे क्वेश्चन ही यहां पे मिले यहां पे डेफिनेटली वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जिनसे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो यूट्यूब और पेड बैच में तो फर्क जरूर रहेगा राइट रहे उसमें कॉन्टेंट का काफी फर्क और इसीलिए पेड बैच जो चौदह फरवरी को आने वाला है उसकी डिटेल्स हम बाद में शेयर कर लेंगे इसी चैनल पे कल मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में तो उसमें पांचों सब्जेक्ट्स हैं फोर्टीन नाइन नाइन के अंदर और ये अब हर महीने करियर वेल ऐप पे बैंकिंग का कंप्लीट बैच आता है इसमें हमारे साथ यतेंद्र सर भी जुड़ जाते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के साथ तो इस प्राइस पॉइंट पर इस तरह का कॉन्टेंट आपको होपफुली ये स्टूडेंट्स का ही है कि सर नहीं मिलता है हमें तो वो भी वो बैच भी अवेलेबल है जहाँ आप एक स्ट्रक्चर तरीके से कंप्लीट कोर्स पढ़ते हो तो आपके पास ये सुकून रहता है और यहां पे भी चीजें चलती रहेंगी जैसे ग्रामर के बाद मैं फिर थोड़े फिलर्स के क्वेश्चन या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन उनकी आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा ठीक है चलिए सर गर्दा पढ़ाते हो आप भाई साहब घनश्याम झा साहब क्या बात है <laughs> सर आप जैसा इंग्लिश बोलना चाहते हैं बिल्कुल बोलेंगे आप बिल्कुल बोलेंगे, बोलेंगे स्पोकन बैच बहुत ज्यादा उसके मैं वीओडी कर देता हूं एक से दो दिन में आपको मिल जाएगी और आप भी बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कहीं कोई मुश्किल नहीं मैंने इसीलिए आपको इंपॉर्टेंस बताया इट्स नॉट जस्ट अबाउट पासिंग योर पेपर्स कि आप लोगों और को रिश्तेदारों को भी बताएंगे नहीं मेरा प्री तो क्लियर हुआ था मेन्स रह गया इस बार क्यों बताना है ये ऐसी तैयारी करनी है कि पहले अटेम्प्ट में ही बाल जो आपकी बॉल है वो स्टेडियम से पार जानी चाहिए तो जब हम साथ में आपके पास हैं यहाँ पे इसीलिए क्लासेस के साथ साथ ये चैनल की भी बात शुरू हुई है कि उसके बाद भी यहाँ मुलाकात हो रही है जो भी डाउट से पूछो वी आर योर मेंटोर्स हम कोचेज हैं टीचर्स हैं हमारे साथ बड़ा रियल संबंध होता है जहाँ आपकी दिक्कत है आप बात करें पूछें प्रैक्टिस कराना चाहते हैं और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे पूरी टीम तैयार है इसके लिए ठीक है तो जैसे अभी तो शुरुआत है जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी जैसे डिमांड होगा उस तरीके से हम कस्टमाइज भी चीजों को करते रहेंगे चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर लेट्स कैच अप ऑन वेंसडे मेरे साथ, के साथ सर के साथ दस बजे मुलाकात करिए आशीष सर के साथ राइट सो और एबिलिटी को बेहतर करिए बहुत सारे गुर सीखे उनसे थैंक यू थैंक यू एवरी थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव बिल्कुल राहुल कुमार बिल्कुल मिल सकते हैं जॉब के बाद क्या जब नौकरी मिल जाए मिल जाए ना जो स्टूडेंट्स भी हमारे जैसे व्हाट्सएप तो पॉसिबल नहीं है बच्चे कहते हैं सर व्हाट्सएप नंबर कैसे मिल सकता है अरे भाई जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है जब वो फेसबुक पेज पे आ, या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैसेज करते हैं फिर टीम मेरे साथ कनेक्ट कर देती है अब ये दोनों स्टूडेंट्स जिनका आपको दिखाई दिया था कम्युनिटी सेक्शन में मैसेज तो वो जब उनका एग्जाम क्लियर हुआ इंटरव्यू की कॉल आई तो उन्होंने कहा सर इंटरव्यू के लिए गाइड कर दीजिए तो मैं उस समय नंबर दे देता हूँ वो पर्सनली मुझसे बात कर लेते हैं आधे घंटे चालीस मिनट क्योंकि उनके बारे में बिना जाने तो मैं उनको गाइड नहीं कर सकता आपने कैसे आंसर देना है तो फिर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि यार घर पे बैठे ये स्टूडेंट्स इतने कम फीस में और ये उन्हीं का होता है कि सर मैंने अपनी जगह पे इतने पैसे दिए थे यहां बैठे बैठे करियर व लैब के जरिए सारी चीजें कर ली हमने तो फिर मुझे भी खुशी होती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है वो इंटरव्यू का गाइडेंस तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है इससे बड़ा संतोष हमें भी कुछ नहीं होता कि नहीं हमारे स्टूडेंट सफल हो रहा है और उस चीज को वो अप्लाई कर रहा है बच्चा सफल हो रहा है तो मैं आपके पास हर चरण में मौजूद हूं इंग्लिश का एरिया का इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गया कि नौकरी पाने की तीनों प्रक्रियाओं में और नौकरी पाने के बाद भी अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है लैंग्वेज स्किल्स बेहतर है तो आपका करियर ग्राफ बाकी लोगों के मुकाबले बेहतर होता है दुनिया भर की रिसर्च ये बताती है कि सॉफ्ट स्किल्स का रोल एटी फाइव के आसपास है आपके करियर ग्राफ के अंदर तो हम उसकी भी जर्नी साथ साथ चलाते रहेंगे यहां पे मैं थंडेज को कोशिश करूंगा कि मैं इंटरव्यू से जुड़े हुए वीडियोस या जीडी से जुड़े हुए वीडियो यहाँ पे तो आप पढ़ोगे बट संडे का एक स्लॉट बाकी है ना तो मैं आपसे इतना वादा कर लेता हूँ कि इंटरव्यूज और जी के या बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियोज जो कि वैल्यू एडिशन कर सकें वो भी मैं साथ के साथ वहां पर देता रहूंगा ठीक है दैट्स ऑल थैंक यू वेरी मच एवरीवान लेट्स कैचअ इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू थैंक यू सपना रोहित दिव्य प्रकाश रोहित आकांक्षा जेनिफर Thank you. Thank you, everyone.